नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ भट्ट न्यूज, खबर मोतिहारी से है। पूर्वी चंपारण के चकिया के सेखी चकिया में महादलित छात्रा के साथ हुए गैंगरेप को लेकर नगर स्थित बोधि मंदिर में बिहिप और बजरंग दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिहिप के उत्तर बिहार सह संपर्क प्रमुख रणवीर कुमार सिंह ने घटना के लंबे दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर असंतोष जताया। उन्होंने इस मामले को लेकर दबंगों द्वारा पीड़ित और उसके परिजनों की हत्या की धमकी तथा समझौते के लिए दबाव बनाए जाने की बात भी कही। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द सुरक्षा मुहैया कराने तथा आरोपियों को जल्द सराखों के अंदर करने की मांग की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। महादलित परिवार के साथ जो बीती है, उसका जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है। 19 अगस्त की घटना है, सब कुछ दर्ज हो गया, चकिया की घटना है, और इस दर्ज होने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो महादलित परिवार जो है वहाँ के दबंग लोगों के, जो खास लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उनके प्रेशर में कि भाई आप अब इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप तरह तरह का प्रेशर उनको डाला जा रहा है, हत्या की धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। तो इस पर प्रशासन उस परिवार को, महादलित परिवार को सुरक्षा प्रदान करे, और सुरक्षा प्रदान के साथ जल्द से जल्द हम लोग जो खूंखार जानवर जो बाहर घूम रहा है वो जल्द बेड़ियों के और सलाखों के पीछे जाए और महादलित परिवार की बेटी को न्याय मिले। इसी संदर्भ में हम लोग एक बार पुनः आज बैठे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग जो अपराधी है उसको गिरफ्तारी की मांग करते हैं और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग करते हैं। और इसके अलावा जो देरी हो रही है प्रशासन की तरफ से, तो देरी हो रही है, हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भाई इसमें त्वरित स्पीडी ट्रायल करके इसको मुकाम तक न्याय पहुँचाए, उनको पीड़ित परिवार को न्याय दिया। अगर इस तरह की कोई घटना अगर आगे अगर समय में और समय ससमय गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगे उस पर विचार करके एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा।